प्रजातंत्र प्रतिष्ठा उत्सव में केन्द्रमंत्री अमित शाह बयान देते 2024 सरकार गढ़ बीजेपी भारत पूर्वोदय फोकस काम कर एनडीए अमित शाह बयान पर राज्य राजनीति में सृष्टि होता हटचमट राज्य में लगातार पांच थर शासन पाणी अच्छा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेडी यार मूलदुआ को अधिक शक्त भी करमती बेले समस्त राजनैतिक दलर टार्गेट 2024 प्रथम ओडिया आदिवासी राष्ट्रपति देवापर शाह कटक गस्तरे बयान पछरे बीजेपी ओडिशा को नहीं किसी बड़ रणनीति अनुमान करुछंती राजनैतिक विशेषज्ञ सेपटे शाह कटक गस्तर बयान पर मुख्यमंत्री मयूरभंज गस्त अनेक राजनैतिक आकलन को दाना देलानी न्यूज 18 ओडिया रे बड़ वितर्क सत हेबो कि शाहवाणी ना चालिबो नवीन मैजिक पुणि थरे जातीय गणमाध्यम गोटे सर्वे रे नवीन पटनायक नंबर वन होती नवीन शासन में 78% संतुष्ट थिबा कथा से गणमाध्यम रिपोर्ट रे प्रकाशित होई निजे मुख्यमंत्री को नहीं संतुष्ट वर्ग में भोटिंग करा जाई छे प्रथम नवीन रही द्वितीय आसाम मुख्यमंत्री अछंती हिमंत विश्व शर्मा स्टालिन को 61% भोट मिली लोकप्रिय मुख्यमंत्री तालिका चतुर्थ नवीन रही 2024 रे वर्तमान जो प्रश्न आसुछि पुणी चलो कि नवीन मैजिक कहीं आम देखिले अमित शाह जिते बड़े गस्त रहा कटक को आसिले सेठारे जो अभिभाषण देले से सीधा सड़क कहले कि 2024 बीजेपी क्षमता को आसुची पूर्वोदय लक्ष्य रही एनडीए एवं से फोकस रे कर्मी एवं नेता काम करने लक्ष्य काम करने से प्रेरणा गले सहित टार्गेट सेट कर निर्दिष्ट भाव लोकों सागरे रे प्रिय भाई भोनी माने समस्त को नमस्कार गुरुगाम के पंडित रघुनाथ मुर्मू को ये पवित्र माटी को मोर प्रणाम आज मयूरभंज आसी और आपन मानन को सहित मिशिबार सुजोग मु बहुत खुशी मयूरभंज माटी कला और संस्कृति रो माटी सारा भारत रे मयूरभंज एक स्वतंत्र परिचय रही मयूरभंज जनजाति भाई भोनी मानकर एक समृद्ध परंपरा रही से गौरव को आज आहरी वृद्धि करमर मा महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ए माटीर झील से मयूरभंज चासी मानको पाई आज एक आनंदर दिन खुशी रो कथा आम मयूरभंज जिला रे गोटे दिन रे आज दुईटी बड़ जलसेचन प्रकल्प चासी भाई मानको सेवा रे उद्घाटित हैला दियो प्रकल्प सुवर्णरेखा प्रकल्प सुवर्णरेखा आमर एक बहुत बड़ो प्रोजेक्ट आज यही प्रोजेक्ट द्वारा मयूरभंज और बालेश्वर जिलार 70,000 हेक्टर रु अधिक जमी को खरीफ पाए पानी मिलीला या द्वारा दुईटी जिलार 50,000 रु अधिक चाषी उपकार पाइबे यही प्रकल्प रु वर्तमान सुधा 50,000 हेक्टर रु अधिक जमी को पानी दिया जाउची ए पूरा प्रकल्प रु टोटल 70,000 हेक्टर जमी को पानी दिया जीवो देव प्रकल्प द्वारा मयूरभंज केन्द्र जिला 10,000 हेक्टर जमी खरीफ ऋतु रे पानी पाइबो 100 गांव रो प्राय 2,00,000 चाषी परिवार उपकार पाइबे कृषि शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा जनजाति कल्याण और महिला एम्पावरमेंट उपरे उ सब बेले फोकस दे आसी आमरो कालिया योजना है बा मिशन शक्ति बा बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बा केजी एक को टंग करे चावल यही सब कार्यक्रम लोकों का आदर लाभ करी छी।
ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। 5G ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବସି ପିଲାଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେ ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ଗାଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାର ଜରିଆରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଛୁ। ଜନଜାତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରିଚାଲିବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଏବଂ ହୁଳୁହୁଳି ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ।